वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाइयों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। हमारे देश के लोगों ने आजकल बहुत हो हल्ला मचा के रखा हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की बदनामी करने में लगे हुए हैं। बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे हो हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता। आज हम बात करेंगे ग्राउंड लेवल की कि कैसे हमारे देश की सरकार कितने सुचारू रूप से इन सब चीज़ों का नियंत्रण अपने हाथ में रख के और देश के लोगों का भला कर रही है। अब जो जो लोग ये कह रहे हैं कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह भी गलत फहमी है। सबसे बड़ी बात है कि आपको सब कुछ चाहिए फ्री, ठीक है। फ्री में तो अपना कोई बुखार भी नहीं देता आजकल। आप पैसे लेके आओ, सब मिलेगा आपको। भाई ऑक्सीजन सिलेंडर की बात है ना, 300 रुपये का रिफिल होता है। आप पैसे लेके आओ, 10,000 रुपये मैं आपको सिलेंडर देता हूँ अरेंज करके। अब बात करते हैं वैक्सीन की। तुम लोग कह रहे हो कि वैक्सीन नहीं है बाजार के अंदर, पैसे लेके आओ, मैं तुमको दिला के दूंगा। भाई 800 रुपये का केंद्र को मिलता है रेमडेसिविर, 2800 रुपये का बाजार में बिक रहा है। तुम मुझे दो 25,000 रुपये, मैं तुमको वैक्सीन दूंगा ला के, एक क्या तुमको 10 ला के दूंगा। पैसे खर्च करो। तुम लोग ये मत सोचो कि हमको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। अब तुम बोलोगे कि बेड नहीं है हॉस्पिटल में। भाई अगर किसी ने बेड ऑक्यूपाइड कर रखा है 20,000 रुपये पर डे के हिसाब से, तुम दो 50,000 रुपये ना उस बंदे को ख़त्म कर दिया एक घंटे के अंदर और तुमको बेड ना दे दिया, तो मेरा नाम बदल देना। तो हवाई बातें मत करो, सब कुछ है, पैसे दो। सिलेंडर भी है, ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर भी है, बेड भी है, दवाइयाँ भी है, सब कुछ है। एक दवाई है मेड्रोल, इतनी आसानी से मिल जाती है जैसे सब्जी के साथ में धनिया मिलता है ना, वैसे वो मिल रही थी। पर अब क्या है कि वो एक स्टेरॉयड है जो अभी कोरोना के अंदर उसको बहुत कारगर बताया है, तो अभी बाज़ार में वो नहीं मिल रहा। 130 रुपये का वो पत्ता मिलता है। तो तुम कह रहे हो कि बाजार में नहीं मिल रहा, मैं तुम्हें ला के देता हूँ, तुम मेरे को दो 2200 रुपये। मैंने अभी किसी को ला के दिया 2200 रुपये के अंदर, उसकी जो MRP है वो है लिखी है 130 रुपये, वो मिल रहा है 2200 रुपये का। तो ऐसे हमारे देश को जगह जगह बदनाम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेंडर भी है, ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, पैसे दो। अब तुम बोलोगे कि हमने टैक्स दिया है, तो तुमने टैक्स दिया है तो वो ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन राफेल आया नहीं आया देश में? हमारे देश की रक्षा के लिए 4-5 राफेल आए। राम मंदिर बन रहा कि नहीं बन रहा? मोदी जी ने अपना पुष्पक विमान लिया नहीं लिया अभी 8,500 करोड़ रुपए का? सेंट्रल विस्टा बन रहा नहीं बन रहा 20,000 करोड़ रुपए का? तो ऐसे मत बोलो, तुम्हारे टैक्स का सदुपयोग किया जा रहा है। अब तुम ये बात बोल रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर कि हम अपना टैक्स ईमानदारी से भर रहे हैं, उसके बाद भी हमको बेसिक चीज़ें नहीं मिल पा रही, तो वो तुम्हारी गलती है। भाई टैक्स जो तुमने भरा था तुमको उसका रिटर्न मिल रहा है। राफेल आ रहे हैं अभी, और डील हुई है मैंने सुना है, राफेल आ रहे हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, और मोदी जी का विमान आया है, और भी जो आसपास पैसे वैसे लेन देन करनी थी, तो दूसरे देशों के अंदर मुफ्त की वैक्सीन भेजी गई है। तो हमारे देश का डंका पूरी दुनिया के अंदर बच चुका है कि जो लोग फ्री में वैक्सीन पूरी दुनिया को बांट रहे थे और शेखी मांग रहे थे, वही लोग आज कटोरा कर लेके खड़े हुए हैं। सब कुछ मिल रहा है बाजार के अंदर, मेड्रोल दवाई भी मिल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल रहा है, बेड भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो ऐसे फालतू हमारे देश को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पैसा फेंक, तमाशा देख, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जो लोग हमारे देश को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जो भी ये लेफ्ट विंग के लोग हैं और जो भी ये कॉमरेड है और जो भी ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ कि हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश छोड़ दो, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। हमारे देश में सारी सहूलियतें मौजूद हैं, लेकिन आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। सिलेंडर की रिफ़िल होती है 300 रुपये की, सिलेंडर मिलता है 10,000 रुपये का, आप 20,000 रुपये दें, 30,000 रुपये दें, सिलेंडर आपको मिल जाएगा। रेमडेसिविर आपको चाहिए 2800 की मिलती है बाजार में, 30,000 रुपये दें आपको मिल जाएगी। पैसे खर्च करो यार, पेट्रोल दवाई है, स्टेरॉयड है, पैसे खर्च करो।
तुमने टैक्स दिया हमने मान लिया, पर हमने आपको टैक्स का हिसाब भी दे दिया, क्या क्या बन रहा है हमारे देश में, क्या सुधार आए हैं, अभी बंगाल चुनाव भी हुआ है, बेशक हमारे हमारे जो उच्च स्तरीय और बुद्धिजीवियों की हमारे जो देश में एक पार्टी है वो लोग हार गए, लेकिन पैसा लगा है वहाँ पे यार, पैसा खर्च हुआ है, कहाँ से आया पैसा, समझो बात को, सब कुछ है हमारे देश में, सारी सहूलियतें, फालतू का ड्रामेबाजी बंद कर दो, किसी भी तरीके की हमारे देश की बदनामी करी कहीं पे तो अच्छा नहीं होगा, भगवान सब देख रहा है, ऊपर मालिक सब देख रहा है, तुम्हारा सारा हिसाब किताब कर देगा। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे देश को बदनाम करना छोड़ दो, ऑक्सीजन नहीं है, फलान नहीं है, ढिकान नहीं है, सब मौजूद है, पैसा दो पैसा। सत श्री अकाल, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का पला।